अब मेरे पास 13 और 14 ऊंट की बुकिंग है। पेमेंट कितनी लेते हैं? 60,000। 60,000 एक ऊंट का? कितनी देर में ऊंट जिबा कर लेते हैं? 4 से 5 मिनट। एक आदमी हमारा वो जिबा करता है, दूसरा खाल उतारता है, तीसरा आदमी वो टोटे मार के वो फौरन ही बन जाता है। टोटे हम उसके मार देते हैं, जो हमारी टीम होती है वो उसको 10-15 मिनट में गाड़ देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। आज मैं एक ऐसे कसाई से मिलवाने जा रहा हूं नाज़रीन जो के प्रोफेशनल सिर्फ ऊंट को ज़िबा करते हैं। इनकार साहब बताइएगा कि ये ऊंट को कब से ज़िबा कर रहे हैं आप? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से ये प्रोफेशनली आप ऊंट ज़िबा करते हैं? बिल्कुल ऊंट ही ज़िबा करता हूं। अच्छा, मुझे बताए कितनी देर में ऊंट ज़िबा कर लेते हैं? तकरीबन 50 से 55 मिनट। 50 से 55 मिनट में? जी। ये बताए की एक दिन में मतलब ईद वाले दिन आप कितने ऊंट ज़िबा करते हैं? 17-18। 17-18। उसकी फिर आप पेमेंट कितनी लेते हैं? 60,000। 60,000 एक ऊंट का? एक। तो इसकी बुकिंग तो फिर आपको एडवांस आती होगी? जी एडवांस आती है। कितने दिन पहले बुकिंग हो जाती है? अब मेरे पास 13 और 14 ऊंट की बुकिंग है। 13-14 ऊंट की बुकिंग है? जी। आपके उस्ताद कौन है? वाले साहब। अच्छा, आपके वाले साहब, आपने वाले साहब से सीखा है? जी। जब भी पूछती यही काम? हमारा काम यही है। तो वो आपके वाले साहब भी सिर्फ ऊंट को ही ज़िबा करते थे? जी वो भी ऊंट ही ज़िबा करते। अच्छा, रेगुलर तो आप ये मतलब बच्चा वगैरह या गोश्त वगैरह बेचते हैं? ये हमारा ये दुकान पे हम कट्टे बच्चे बेचते हैं, जब ईद का जोर होता है तो फिर हम ऊंट कोशिश करते हैं कि ऊंट ही ज़िबा करें। एक आदमी हमारा वो ज़िबा करता है, दूसरा खाल उतारता है, तीसरा आदमी वो टोटे मार के वो फौरन ही बन जाता है। टोटे हम उसके मार देते हैं, जो हमारी टीम होती है वो उसको 10-15 मिनट में गाड़ देती है। तकरीबन 40 मिनट में बच्चा ज़िबा करके हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ऊंट को काटने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं? वो कुहाड़ियां है हमारे पास और छुरी है, एक निजा है। वीडियोस में अक्सर देखते हैं कुर्बानी के टाइम जानवर जो है वो छुड़वा के भाग जाते हैं, तो आपके साथ भी कैसे हुआ? एक हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जो लोग कभी कभार करते हैं, गनेरियां बेचने वाले, ये वो जो जाते हैं उनसे ये वकूबे होते हैं, जो कसाई होता है उससे ये वकूबे नहीं होते। जी नासरीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी ज़ुल्फ़िकार साहब की, जो कि ईद पर इनके पास टाइम ही नहीं होता किसी से मिल सके या बात कर सकें, क्योंकि ईद वाले दिन इनका प्रोफेशनल काम होता है ऊंट को ज़िबा करना, जो कि 45-50 मिनट में ऊंट को ज़िबा करके कार्ट के साइड पे कर देते हैं, फिर अगला ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करते हैं। एडवांस इनके पास जो है वो पेमेंट आती है, क्योंकि हमारा जानवर आपने टाइम पे ज़िबा करना है। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखते रहे न्यूज़ अलर्ट।